जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के संयुक्त संगठन जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप ने शनिवार को श्रीनगर बंद का ऐलान कर दिया है, जिसका असर अमरनाथ यात्रा पर देखने को मिल रहा है। अलगाववादियों के बंद के कारण एक दिन के लिए अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। आज यानी शनिवार को अमरनाथ जाने वाले किसी भी तीर्थ यात्री को जम्मू से कश्मीर घाटी की ओर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस ने जानकारी दी है कि अलगाववादियों के प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया गया है। अलगाववादियों के बंद के आह्वान को देखते हुए सुरक्षा बल भी काफी अलर्ट पर है। घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें, सन 1913 में इसी दिन डोगरा महाराजा की सेनाओं द्वारा श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर गोलीबारी हुई थी, जिसमें करीब 22 लोग मारे गए थे। अलगाववादी हर साल 13 जुलाई को शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। अलगाववादियों के संयुक्त संगठन जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप की ओर से ये बंद डाउनटाउन इलाके में हुई उक्त गोलीबारी के विरोध में बुलाया गया है। हालांकि जम्मू के लोग इस आयोजन का विरोध करते हैं, क्योंकि ये मामला तत्कालीन महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह से जुड़ा है। अलगाववादियों के बंद को देखते हुए ही यात्रा मार्ग समेत तमाम जो संवेदनशील स्थान हैं, उन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।